नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि वृश्चिक राशि वाले माला माल होने के लिए, खूब धन प्राप्ति के लिए साल 2021 में क्या उपाय करें, साथ ही कब से उनका इनकम लॉक खुलेगा, वेल्थ लॉक खुलेगा, कब से पैसा आगमन का स्रोत बेहतर होगा, इनकम आपकी बढ़ेगी। तो आज का एपिसोड वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत खास है। देखिए, वृश्चिक राशि से तीसरे घर में शनिदेव पूरे साल गोचर करेंगे पराक्रम भाव में, साथ ही बृहस्पति और बैठे और राहु वृश्चिक राशि से सातवें घर में पूरे साल संचार करेगा और वहां से सीधे वृश्चिक राशि को दिखेगा सातवीं दृष्टि से और शनिदेव पराक्रम भाव में। ग्रहों की जो स्थिति बनती है उसके हिसाब से 20 जुलाई 2021 के बाद से आपकी इनकम लॉक खुल जाएगी, इनकम आपकी बढ़ने लगेगी, प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़ने लगेगी, उन्नति के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे 20 जुलाई 2021 से। तो साल 2021 में पूरी मेहनत करिएगा, भगवान की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होगी। बस अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी मत रखिएगा और 20 जुलाई के बाद उन्नति के बहुत सारे अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं, उनका लाभ उठाइएगा और आगे बढ़ते चले जाइए। साल की शुरुआत से ही मेहनत करना है, इस बात का ध्यान रखिए। क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे कि साल 2021 में आप अच्छा धन प्राप्त कर सकें? ये तो हमने आपको बताया कि 20 जुलाई के बाद से आपकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन मेहनत करेंगे और जो उपाय बता रहे हैं वो उपाय करेंगे तो इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, साल भर जो है धन का आगमन बना रहेगा, पैसा आपके पास आता रहेगा और आप माला माल हो पाएंगे, खूब धन कमा पाएंगे। क्या उपाय करना है वृश्चिक राशि वालों को कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है नियमित रूप से और हर मंगलवार के दिन छोटे बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर मंगलवार के दिन छोटे बच्चों को मीठा प्रसाद के रूप में बांटना है। पहले हनुमान जी को भोग लगाना है, आप अपने घर में भी भोग लगा सकते हैं और यदि आपके घर के आसपास मंदिर हो वहाँ जा कर के भी हनुमान जी को भोग लगाइएगा। मीठे में आप मिठाई ले सकते हैं, कोशिश करिए कि लाल रंग का मीठा हो, लाल रंग की मिठाई हो, जलेबी हो, बूंदी हो, रसगुल्ले हो, जो भी हो लाल रंग का हो, तो लाल रंग की मिठाई का भोग हनुमान जी को लगाइएगा मंगलवार को और छोटे छोटे बच्चों को बांटिए। कोशिश करें कि 11 बच्चों को अवश्य प्रसाद बांटें हर मंगलवार, ये नियम बना लीजिए, हर मंगलवार के दिन लाल रंग के मीठे का प्रसाद बच्चों को बांटना है और प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना है। दूसरा उपाय आपको करना है कि शनिवार के दिन वृद्धाश्रम, जहां बुजुर्ग लोग रहते हैं, यदि वृद्धाश्रम ना हो तो आप बुजुर्गों को चीज़ें दे सकते हैं। क्या देना है आपको? खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं, जैसे आप चावल दे दीजिए, आप आटा दे दीजिए, आप गेहूं दे दीजिए, आप दाल दे दीजिए या चावल दाल दे दीजिए और आटा दे दीजिए, आटे के साथ सब्जी दे दीजिए, जो आपका मन करे सूखा अनाज, वो शनिवार के दिन कम से कम 5 गरीब बुजुर्गों को अवश्य दीजिए। यदि आप वृद्धाश्रम जा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेके जाइएगा एक साथ, कि जैसे 5-10 लोग उसका जो है कम से कम एक दिन अवश्य सेवन कर लें। जैसे 5 किलो आटा ले लीजिए, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो आलू ले लीजिए, जितना आपका बजट अलाउ करे, टमाटर ले लीजिए और सब्जी ले लीजिए या चावल दाल ले लीजिए, अपने बजट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेके जाइएगा और वहाँ दान शनिवार में वृद्धाश्रम में। यदि वृद्धाश्रम नहीं है आपके घर के आसपास तो गरीब बुजुर्गों को छोटे छोटे पैकेट बना लीजिएगा, एक एक किलो आटे के पैकेट बना लिए सब्जी, उसमें आलू रख दिया, टमाटर रख दिया, ये करके उसका अलग थैली बना ली और दे दी, या चावल दाल की थैली बना ली, 1 किलो चावल, 1/2 किलो दाल, ऐसे थैली बना ली। तो जितना आपका बजट अलाउ करे कोशिश करिएगा 5 लोगों को देना है और इतना देना है कि कम से कम वो एक दिन तो भोजन अवश्य कर लें, ज़्यादा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, 2-3 दिन खा ले एक आदमी तो और अच्छा है, नहीं तो एक दिन तो अवश्य भोजन कर ले, इतनी क्वांटिटी अवश्य देनी है और जो भी दीजिए वो बेहतर क्वालिटी का दीजिएगा, जो आप खुद सेवन करते हैं,
जैसा अनाज आप खाते हैं उसी तरह का अनाज दीजिएगा। जिस तरह का चावल आप खाते हैं जितना बढ़िया वही वाला देना है, जो आप आटा खाते हैं वही वाला आटा देना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये दान करिएगा, भगवान की कृपा से पूरे साल धन की कमी आपको नहीं होगी, पैसा आपके पास आता रहेगा, धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी और आप माला माल हो जाएंगे, खूब धन प्राप्त करेंगे। अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि धनु राशि वाले साल 2021 में ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि उनकी इनकम बढ़े, माला माल हो, साथ ही कब उनका इनकम लॉक खुले, ये भी बताएंगे। तो अगला एपिसोड आप जरूर देखिएगा, और यदि आपके घर परिवार में मित्रों में किसी की धनु राशि है तो उनके साथ वो वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करना भी दान है। क्योंकि आप किसी को इन्फॉर्मेशन देंगे, ये वीडियो शेयर करेंगे, उससे उनको फायदा होगा तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा, तो ये भी एक दान है। बिना कुछ खर्च किए शेयर करके आप कमा सकते हैं, ये दान, ये पुण्य प्राप्त हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए जय श्री कृष्ण।